जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं बलराम धनगर कमांडो आज बात करूंगा आपसे मेडिकल में जो पॉइंट मिलते हैं। मैं कुछ मेन पॉइंट की बात करूंगा आपसे जो आप लोगों के साथ में परेशानी आ सकती है। उन परेशानियों को होते हुए भी कैसे मेडिकल से बचना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज। और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे भर्ती से पहले आप आराम से बैठ के उसकी प्रैक्टिस करके उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में दो या तीन पॉइंट बताऊंगा, तीन पॉइंट बताऊंगा आपको आज, बाकी का जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर बाद में कोई ना कोई गाली देता रहेगा कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाता है। तो मुझे मज़ा नहीं आता है जब वीडियो मैं क्लियरली पूरा जिस प्रकार से बता नहीं दूँ मुझे जहाँ मेरे दिल के अंदर आता है, ताकि है ना अधूरी जानकारी आदमी के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए मैं पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा अंत तक तो आपकी तीन समस्याएं दूर हो जाएगी। तो तीनों समस्याओं के बारे में आज बता देता हूँ कौन कौन सी। पहली है आपके हाथों की कंपन, आपके हाथ कांपते थे इस प्रकार से कांपता है हाथ, ये कांपने वाली समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी आ जाती है आपकी हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम। हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अधिकतर हो रही है जवानों में, वो किस प्रकार से दूर की जा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरी आती है घुटना टच होने वाली, इधर देखना नीचे, ये देख लीजिए साहब मेरे भी नोकनी है, दिखाई दे रहा है आप सभी को नोकनी है, लेकिन इसको कैसे उस टाइम चोरी करके निकाला है ये आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से निकल जाइए। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हाइड्रोसिल से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसिल की जो प्रॉब्लम है आप लोगों में हो रही है, किस लिए हो रही है, आप अधूरा ज्ञान लेके रनिंग करना स्टार्ट कर देते सब। क्या करना है, पहले सबसे पहले आप हाइड्रोसिल से बचाव के लिए रनिंग से पहले आप या तो फ्रेंची अंडरवेयर का इस्तेमाल करें, इस प्रकार से जोकी की अंडरवेयर रहती है, फ्रेंची आती है, जोकी की अंडरवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बढ़िया होती है फ्रेंच कट वाली, या तो ये ले लीजिए या फिर आप सपोर्टर ले लीजिए। सपोर्टर मिलता है मार्केट में आपकी साइज का, जो साइज आती है आपको उस साइज का सपोर्टर ले लीजिए, या फिर पुराने जमाने में लंगोट बांधते थे तो अगर कोई लंगोट का शौकीन है तो लंगोट बांध सकता आराम से, उससे क्या होगा उसको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको दूर करना बहुत परेशानी आती है, ऑपरेशन करवाओ अगर, लेकिन ऑपरेशन फिर उसमें फोर्स में चलता नहीं है, किसी का पानी भरना शुरू हो जाता है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या आप, मैं पहले से बोल रहा हूँ पहले से प्रिकॉशन लेके चलिए आप, आपके हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों दूसरी बात पे आते हैं, हाथों का कंपन, हाथों इस प्रकार से कांप रहे, इसके लिए क्या सिया? अभी मान लो आपका आर्मी का मेडिकल चल रहा है साहब, या किसी भी फोर्स का मेडिकल चल रहा है, एक साथ 25 आदमी खड़े कर दिए, 20-25 आदमी खड़े कर दिए और सबको हाथ ऐसे करने के लिए बोल दिया, इस प्रकार से हाथ खड़ा करके हो गया खड़ा हो गया। अभी क्या है, कंटिन्यू जैसे वहां से स्टार्ट करेगा वो एक आदमी से स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, वहां से देखते हुए आएगा तो जिस बंदे का लास्ट तक जिसने ये हाथ कर रखा है उसका तो ऑटोमेटिक कंपन होना शुरू हो जाएगा इतनी देर तक अगर आप करोगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इतनी देर तक कंपन होने से बचने के लिए क्या करना है, आप जब भी वो मेडिकल लेने के लिए स्टार्ट करते हैं आपको हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं, आप ऊपर हाथ कर लीजिए, लेकिन हाथ करने के लिए क्या करना है, ऐसे टाइट मत करिए, आराम से ढीला छोड़ दीजिए। जिसके कंपन की प्रॉब्लम नहीं है उसके भी कंपन हो जाएगा अगर इतनी देर तक, अगर वो 10 मिनट मान लो 10 मिनट ऐसे करके रखेगा तो अपने आप कंपन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त इस चीज को ध्यान दे लीजिए, क्या करना है, इस प्रकार से हाथ है तो उसको क्या करना है, ढीला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए उसको, ये मेन प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जिसका कंपन होता है ऑलरेडी पहले से, वो कैसे दूर करेगा, ये कंपन होने का कारण बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको, किस कारण से कंपन होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कंपन होने का कारण ये है, आपके अंदर शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी होने के कारण ये कंपन शरीर में होता है, हाथों पैरों में कंपन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी को आप पूरा करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, या तो आप डेली एक काम कर लीजिए, डेली सुबह शाम नींबू, एक नींबू पानी के अंदर मिला के डेली पीजिए सुबह शाम दोनों टाइम, लेकिन हाँ उससे आपको नुकसान ये हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो बात करूंगा मैं, ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज आती है, आप बैंड लगा रहे, किस प्रकार से बैंड लगा रहे, तो मैं इसमें एक बैंड बताने का तरीका, लगाने का तरीका बताता हूँ, फिंगर्स के ऊपर जिससे आपकी उंगलियां नहीं कांपेगी, हाथ नहीं कांपेगा,
क्योंकि आपके हाथों में बहुत सारे दो प्रकार से होता है, एक किसी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है, दूसरा आपके हाथों में जान नहीं होती है, तो दो जगह से आप कंपन हो सकता है। तो दोनों चीजों को आप किस प्रकार से दूर करेंगे दोनों बता दिया मैंने, नींबू पानी के साथ में आप पीजिए, हरी से हरी सब्जियां जितनी हो उतनी ज्यादा खाइए। और आ जाते हैं अपन फिंगर्स के ऊपर किस प्रकार से पैंट लगानी। तो दोस्त देख लीजिए किस प्रकार से आपकी ये फिंगर है, मैं आप बता देता हूँ, फिंगर को दिखा देना नजदीक लगा। जब भी आप बैंड की प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से फिंगर लगा लीजिए, सब दिखाई दे रहा है, सभी देख लीजिए, फिंगर इस प्रकार से लगानी है और बैंड मारी, इस प्रकार से बैंड लगाएंगे फिंगर लगा के, हो जाएगी प्रॉब्लम दूर। अगर आपसे फिंगर से नहीं लग रहा है तो मुट्ठी बंद कर लीजिए इस प्रकार से और बैंड लगाइए, ये आपकी प्रॉब्लम, इससे फिंगर्स हाथ कंपन वाली समस्या दूर हो सकती है। अब आ जाते हैं अपन तीसरी चीज, मेन प्रॉब्लम, सबको नोकने की प्रॉब्लम, तकरीबन बच्चे नोकने की प्रॉब्लम से दुखी है, मेरा भी नोकनी मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसको दूर कैसे करेंगे। कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ नोकनी का, उसमें वो एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे, आराम से आपकी नोकनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर होते हुए भी जितना आपने कोशिश किया नहीं हुआ, अब लास्ट ऑप्शन आपके पास, आप भर्ती में खड़े हैं, क्या करेंगे। मेरी भी नौकरी थी लेकिन मैंने क्या किया, इस प्रकार से खड़ा था, सबको एक साथ खड़ा कर दिया नौकरी देखने के लिए। इस प्रकार से खड़े होने के बाद में आपको क्या करना है, पैरों को बाहर की तरफ खींचना है, दोनों पैर मिला के रखेंगे, पीछे दूर करके भी देखेंगे, सब तरफ देखेंगे। अगर आपको जब दोनों पैर मिलाने के लिए बोले तब आप बाहर की तरफ खींच दिए पैर को, ये दूर हो गई आप देख रहे हैं अभी, और आपको खोल के करने करे जब बोले पंजा खोल दीजिए, पंजा खोले तब पैर को पीछे की तरफ खींच दीजिए, थोड़ा पीछे की तरफ खींचेंगे अपने आप दूर हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है आपको, ये आप इससे इस प्रकार से बच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो तीन पॉइंट पे था, आने वाला वीडियो मेरा इसी दो तीन पॉइंट ऐसे हैं मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक पर बना दिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।